वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू दृष्टि पीसीएस। देखिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है टीईटी 2018 के लिए। जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, उनका फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा था, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यस, उनकी जो लास्ट डेट है वो 7 डेज के लिए बढ़ा दी गई है। तो चलिए, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल दृष्टि पीसीएस, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी जॉब्स की नोटिफिकेशंस आप तक मिलते रहें। तो देखिए, ये है अमर उजाला। अमर उजाला का ये जो पेज है, इसमें आप देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद भी टीईटी आवेदन अंतिम, देखिए ये है, इसी का मैंने ये कटिंग ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीईटी आवेदन की अंतिम तिथि 1 सप्ताह बढ़ाने की सिफारिश। यूपी टीईटी के ऑनलाइन आवेदन में आई बाधा 8 दिन बीतने के बाद भी दूर नहीं हो रही। आवेदन न कर पाने से परेशान अभ्यर्थियों ने सोमवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर वेबसाइट की गड़बड़ी दूर करने की मांग की। धरना प्रदर्शन एवं हंगामे के बीच सचिव परीक्षा नियंत्रक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने आश्वासन दिया है कि उनकी ओर से शासन के पास सप्ताह भर आवेदन की तिथि आगे बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। सचिव के आश्वासन के बाद भी अभ्यर्थियों ने अंतिम तिथि के लिए 15 दिन आगे बढ़ाने की मांग पर अड़े रहे। अभ्यर्थियों का तर्क था कि यूपी टीईटी में कम से कम 10 से 12 लाख आवेदन आने की संभावना है। अभी लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया है, ऐसे में अभ्यर्थी 90% आवेदन किया जाना शेष है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यदि 2 दिन मैं परेशानी दूर नहीं हूँ तो 4 अक्टूबर को दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये इन्होंने थोड़ा सा आयोग को एक चेतावनी दी है। देखिए, ये है पूरी टीईटी वेबसाइट 8वें दिन भी ठप, मतलब अभ्यर्थी 8 दिन से परेशानियां झेल रहे हैं, उसके बाद ही उन्होंने ये प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता टीईटी 2018 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये वही है, इसको आगे बढ़ाकर इसमें बताया। वैसे मैंने आपको इसमें, जैसा कि इसमें बता दिया गया कि सचिव के पास भेज दिया गया है प्रस्ताव 7 दिन बढ़ाने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, 7 दिन तो बढ़ ही जाएगा। अगर 15 दिन का, अगर 7 दिन में प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो शायद ऑनलाइन डेट आगे भी बढ़ा सकते हैं। टिल देन कीप काम एंड स्टे कनेक्टेड। देखिए, जल्दी ही इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा, एक आज या कल में इसका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कि यूपी टीईटी की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। तो जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको तुरंत अवेयर कराऊंगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।